बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं जी, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे जी। वेलकम टू अलहुदेबिया कॉन्ट्रैक्टिंग। यहाँ आज जो काम चल रहे हैं दो तीन किस्म के, एक तो इसके ऊपर इंसुलेशन वो तो होगी अल्हम्दुलिल्लाह, पाइपों के ऊपर इसके ये फोम वो वाली होती है ना इंसुलेशन, वो लगा के ऊपर इसके ये क्लॉथ कॉटन जो है वो कपड़ा वो लगाया है, और उसके बाद में इसके ऊपर वाटर प्रूफ पेंट किया है ये जो ग्रे कलर का, इसमें वाइट भी आता है ग्रे भी आता है। तो देखें ये अभी 1 आवर बिफोर इसको किया है, बिल्कुल ऐसे ये टाइट हो गया है। और ये अभी इसको इस तरह भी छोड़ेंगे तो ये तकरीबन 10 साल तो इसकी गारंटी है कि ये बिल्कुल ये कपड़ा और इसके अंदर जो ये फोम है वो ख़राब नहीं होती। इसको इंसुलेट कर दी है, क्लंप इसके खोले थे, खोल के दोबारा लगा के इसके ऊपर लगाने के बाद ऊपर इसके पेंट किए। कपड़ा जब लगाया था और इंसुलेशन लगाई थी उस वक़्त इसको ओपन किया था ये क्लंप वगैरह, तो यहाँ पे इसके ये एक बना दी है इसका कवर। बल्दिया की रिक्वायरमेंट थी तो इमिजिएटली फिर ये यहाँ, क्योंकि इंस्पेक्शन होनी है तो ये कवर इसको किया। पंप को पहले इसको नहीं देखते थे क्योंकि पंप वाटर प्रूफ होते हैं ऑलरेडी, इनको पानी इसके अंदर नहीं कभी कहीं से भी जाता। तो ये जो पुराना विला है उसके ऊपर तो ऑलरेडी ऐसे ही लगा हुआ है, मैं दिखाता हूँ वो भी आपको व्यू, तो वो 20-30 साल से ऐसे ही चल रहा है बगैर उसके कवरिंग के। बहरहाल बल्दिया का कमेंट था तो ये बनाया, इसको पेंट होगा। तो यहाँ पे अभी ये देखें जितना भी आप ये जितने पाइप थे इसको कवर इसको इंसुलेट किया, इंसुलेट करने के बाद में अभी ये जो ब्लॉक 2-3 रखे हैं ये बाद में पाइप लगे हैं, 2 पाइप हॉट एंड कूल इसके सोलर यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये भी आपको व्यू दिखाते हैं, सोलर ये कंपनी ने इंस्टॉल किया था जो सोलर कंपनी है, तो उसके बाद में इसके ऊपर अभी इंसुलेशन पाइप वगैरह हमने लगा के इसको कंप्लीट किया है। उन्होंने ये ब्लॉक रखे थे जिसको अभी फिलिंग करके तो अच्छे से इसको प्लास्टर करेंगे फाउंडेशन इसके जो पाइप के हैं। तो ये सोलर अरिस्टन कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त है ये वाली। इसके दूसरे हीटर भी आते हैं जो इलेक्ट्रिक हीटर हैं, ये तो सोलर हीटर है। तो मैंने आपको दिखाया था, पानी बहुत ज़बरदस्त है इसका, गर्म करता है इतना। ये 1 सोलर इधर लगा हुआ है, 1 किचन ब्लॉक पे, तो दोनों अभी इधर 2 बाथरूम है तो ये 3-4 बाथरूम इजीली कवर कर जाते हैं। तो ये यहाँ फाउंडेशन ऑलरेडी पहले से बनाए हुए थे तो उसके ऊपर ही उन्होंने इसको इंस्टॉल किए। बाकी यहाँ पे इसके जितने भी इस साइड के भी जो पाइप जा रहे हैं बाथरूम के, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हो चुका है इसकी ऊपर से इंसुलेशन। और इसको इंसुलेशन करते हुए मैं नहीं दिखा सका, तो ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये पाइप अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो 1 ईयर से ऐसे ही था ओपन पाइप, तो थोड़ा थोड़ा ख़राब होना शुरू हो गया था। तो अभी ये सेव हो गया, टेस्टिंग कमीशनिंग के बाद में इसके ऊपर इंसुलेशन हमने लगा दी अच्छे से। आप देखें ये पंप लगा हुआ है पुराने विले पे, 30 साल से ये लगा हुआ है, ओपन लगा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर कोई कवर नहीं बनाया, लेकिन अभी जो नया रूल है उसके मुताबिक ये लगाना पड़ता है, ये जो अभी बनाया है ना, तो ये इसको बस ओनर ने बनवाया है, उसने कहा ऐसे ही बना दें। इसका अल्मोनियम का कवर भी बना के एक हुड टाइप जैसे ये बना हुआ है ना, ये हमने बनाया था। ये डक्ट देखे कितना प्यारा बना हुआ है, इसके ऊपर कोई सैंडविच पैनल नहीं है, और इसके ऊपर से स्लैब बना के ये डाली थी। तो ये पहली पुरानी वीडियो में तो आपको बनाते हुए डालते हुए ये प्लास्टर करते हुए पूरा दिखाया, ये जो डक्ट बनी हुई है। तो इसके ये जो बनाया ये ओनर की रिक्वायरमेंट पर बनाया, कैसे बना दें तो हमने इसको बना दी है। तो ये अभी टूल वगैरह उस्ताद के यहाँ पड़ा है, ये जितना भी काम है इसका पेंटिंग का अब हो रहा है, तो मैं किचन ब्लॉक पे दिखाता हूँ कि ऊपर अभी पेंटिंग का काम चल रहा है, पैरापिट का पेंट। ऐसे ये पेंट है ना इस साइडों से, अभी पेंट ये भी रहता है, पेंट प्राइमर लगा हुआ है तो अभी इसको दोबारा से प्राइमर लगा के रेडी कर रहे हैं पेंट के लिए। तो इसका ऑफ वाइट ही पेंट आएगा ऊपर, ये देखें ये ऑलरेडी ऑफ वाइट इसका पत्थर है, तो इसके साथ में ये मैच हो जाएगा। जैसा ये नीचे है ये अभी पूरा हुआ हुआ गंदा, पहले से पेंट जो लगाया था नीचे वाइट किया था, लेकिन ये धूप की वजह से ऑफ वाइट हो गया। ये वाटरप्रूफ पेंट था, 1 ईयर बिफोर लगा था।
तो चलते हैं वहाँ किचन ब्लॉक पे, तो मैं दिखाता हूँ एक आपको यहाँ पे व्यू जो हमारा चल रहा है, ये इसका टेक्सचर का काम, तो टेक्सचर अभी ये लगा रहे हैं बंदे नीचे, आपको दिखाते हैं। आइए जी, तो ये ऊपर आने के लिए ये लेडर हैं जी, ये कैट लेडर इसको बोलते हैं, और ये ऊपर आ गया मैं किचन ब्लॉक पे, और यहाँ बिल्कुल ये देखे प्राइमर इसके ऊपर अभी फ्रेश लग चुका है पैरापेट पे, तो इसके ऊपर अभी ऑफ वाइट पेट पेंट जो है वो अप्लाई करेंगे नेक्स्ट। तो ये पूरा अभी रेडी है पेंट के लिए, उसके बाद में यहाँ पे भी जो पाइप थे ये इसके वाटर सप्लाई के, उनको भी पूरा पेंट भी कर दिया हुआ इसके ऊपर। उधर आप देख के आए हैं तो ग्रे है अभी, जैसे पेंट होगा तो ऊपर वाइट पेंट भी लगा देंगे, जैसे ये एसी के पाइपों के ऊपर वाइट पेंट है तो यहाँ पे इसके ऊपर भी फाइनल ग्रे के बाद जैसे मैचिंग हो जाएगा पैरापेट के साथ में, फाउंडेशन के साथ में, और ये कर दिया जी पेंट इसको, ये यानी इसका प्राइमर, और यहाँ पे डीबी के जो इससे एसी के पाइप आए हुए थे ऊपर निकले हुए थे उनको अच्छे से ये फॉर्म पीओ लगा के, उसके बाद में ऊपर इसके भी कपड़ा क्लॉथ वगैरह लगा के इसको डबल पेंट लगा दी है वह वाटरप्रूफ, ये भी कवर हो गया, और ये अब भाई साहब लगे हुए हैं इस पाइप के ऊपर भी पेंट करने के लिए। ये देखें, ये पहले ये कलर है ग्रे वाला, वो भी अच्छा कलर है, लेकिन जैसे ये साथ में पैरापिट पे पाइप है उसके ऊपर पेंट वाइट आ रहा है, तो उसको पूरे को एक ही जैसा कोशिश करें कि वो लगे, तो यहाँ पूरा ये पेंट इन्होंने लगा दिया, तो इसके बाद फिर उसका है मजलिस ब्लॉक के ऊपर स्लैब के ऊपर रहते हैं, तो यहाँ पे भी इसको पंप को कवर किए ये बनाया, जैसे उस साइड में बनाया तो यहाँ पे भी ये देखें जी ये बन चुका है, और ये ऊपर इन्होंने सैंडविच पैनल, ये ओनर की डिमांड पे है जी, ये देखें इसको कवर को उतार देंगे, पंप को कवर किया हुआ था ताकि सीमेंट वगैरह ना जाए, तो अभी वो साथ जो है ना जो करके गए हैं उन्होंने इसको नहीं उतारा, क्योंकि ये नहीं उतारेंगे तो फिर हवा किधर से ये लेगा, तो इसको उतारना बड़ा ज़रूरी था, तो ये यहाँ पे अभी इसको रख देंगे, बाद में इसको रिमूव हो जाएगा ताकि पंप को चलाए तो नीचे से इधर से इसने हवा लेनी होती है इसलिए। तो यहाँ पे भी इंस्टॉल हो चुका हुआ है ये अरिस्टन का जो सोलर है, और ये वर्किंग में है, इसको भी इंसुलेशन जो पाइपों के ऊपर इंसुलेशन थी वो भी हो चुकी हुई है, और ये फाउंडेशन जो इसका देख रहे हैं ये वाटर टैंक का, इसको भी प्राइमर लगाया है अच्छे से ताकि इसको भी पेंट कर दिया जाएगा। तो रहिएगा हमारे साथ जी, इसका ये प्रोसेस जो प्राइमर का है ना ये आपसे पूरा शेयर करेंगे, और नीचे टेक्सचर का भी करते हैं। यहाँ पे दीवार पे जो टेक्सचर लग रहे हैं ना ये अभी बस थोड़ा सा एरिया रह गया तकरीबन, बाकी कवर कर दिए इन्होंने, स्ट्रक्चर का अल्हम्दुलिल्लाह काम कंप्लीट हो चुका है, और अभी ऊपर हमारा पेंटिंग काम बाकी है, तो वो इंशाल्लाह अभी शाम होने वाली है, तो नेक्स्ट डे आपसे शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये टेक्सचर अभी देखें कंप्लीट हो गया है, तो जैसे ही इसके ऊपर पेंट अप्लाई करेंगे वो भी आपसे शेयर करेंगे, मैट यही कलर पेंट आएगा जो अभी यहाँ पर आपको ये मार्बल नज़र आ रहा है सेम इसी के साथ ये मैच करेगा। तो ऑलरेडी भी पेंट लगा है एक इसके ऊपर इसके कवर कोट, और अभी दोबारा से लगा रहे हैं, तो ये
यहाँ करेंगे वीडियो क्लोज, इसके बाद इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस के साथ। अल्लाह हाफिज़। पेंट लगाने लगे हैं, सेम पेंट है ना जो पहले का। Okay.